ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखो इस तरह है कि असी लंबे समय तो 4.5 साल तो यही कुछ है जिहड़ा उस सरकार नूं कहिंदे आ रहे हां। कैप्टन साहब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने वादा किया सीगा कि 3 जिहड़े थर्मल प्लांटां दे नाल एग्रीमेंट किए ने गलत उन्हां नूं रद्द जां रिव्यू किया जाऊगा। ये मसला हरेक साल पैदा होया करूगा जे ये 3 एग्रीमेंट ने जिहड़े रिव्यू नहीं करनगे। वो क्यों? उहदा रीज़न ये है कि सर्दियों के पंजाब नूं जनरेशन बिजली की लोड़ है रात को 3000 मेगावाट दिन 6000 और गर्मियों के इन दिन 14,000 मेगावाट चाहिए है। सो इस करके अज के दिन जो 1200 सोमिया तो लैके भी बिजली है जी पूरी नहीं हो सकती हैगी। इस करके असी 4.5 साल तो कहते आ रहे हैं कि जिहड़ा इन्हां थर्मल प्लांटां नूं बिना परचेज की हुई पावर का भी तुसीं पैसा दे रहे हो वो लुट बंद करो। तो इन्ने पैसे की ही बिजली जो बाहरले सूबे तो सेंट्रल पूल तो तुसी खरीद लो और जो अज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट की इंप्रूवमेंट की लोड़ है जे उहदे उपर पैसा खर्च कर देन इह ते इह बिजली दे कट लगन ना, पर इह करदे नहीं हैगे। रीज़न ये कि पहला जिहड़ा कमिशन है जिहड़ा अकाली दल दे लीडर नूं सरकारां नूं जांदा सीगा वो हुण लंबे समय तो 4.5 साल तो कांग्रेस की लीडरशिप में जा रहा जिहदी वजह करके यह असी 4.5 साल तो कहिंदे आ रहे हां। इन्हां दे आपदे मंत्री MLA किन्नी वारी कह चुके इंजीनियर एसोसीएशन जिहड़ी वह कह चुकी पर कन्नां ते जू नहीं सरकदी हैगी।